नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 10 एक बारी फिर से, और ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। और आपको इसमें पंच होल डिस्प्ले मिलती है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। और यहाँ पर लिखा हॉट 10 और बैक साइड देखें तो देखिए यहाँ पर वही प्रोसेसर है और 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है आपको, 5200mAh की बैटरी, 16MP का क्वाड कैमरा, DTS साउंड, फिंगर सेंसर, फेस अनलॉक एंड मेड इन इंडिया। और यहाँ पे 14,000 प्राइस दे रखा है बॉक्स में, बट आपको 10,000 में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट से। और यहाँ देखें तो देखिए ये दोस्तों मूनलाइट जेड कलर, और यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे देखिए मेड इन इंडिया। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपको बॉक्स में कंटेंट्स मिलेंगे इस फ़ोन के साथ और कैसा ये फ़ोन है। तो चलिए बॉक्स अभी हमने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा डिवाइस, इसको रख लेते हैं थोड़ा साइड में और आपको सारे कंटेंट दिखा देता हूँ मैं। तो ये आपको मिलेंगे कुछ, ये देखिए सिम इजेक्टर पिन मिलेगी और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और आपको मिलेगी ये माइक्रो USB केबल चार्जिंग के लिए, ये देखिए। और आपको मिलेगा चार्जर, तो ये दोस्तों 5V 2A का चार्जर है, यानी कि नॉर्मल चार्जर है। कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये एक सिलिकॉन सॉफ्ट बैक कवर ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़रूरी है फ़ोन के प्रोटेक्शन के लिए। और आपको मिलेगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने इस फ़ोन को। तो यार ये कलर तो बहुत ही मस्त लग रहा है, मतलब मूनलाइट जेड कलर काफ़ी मस्त लग रहा है। और ये सब चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, तो स्टिकर को निकाल देते हैं बाहर और ये बैक साइड वाले स्टिकर को भी मैं निकाल देता हूँ बाहर। तो यार कलर और बिल्ड क्वालिटी तो इस फ़ोन की बहुत अच्छी लग रही है, और टिल्ट करने पर ये एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट सा देखने को मिल रहा है, देखिए ट्रायंगुलर सा इफेक्ट मिल रहा है और कलर काफ़ी मस्त लग रहा है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए आपको फिज़िकल ओवरव्यू देता हूँ पहले। तो ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये देखिए। एंड इस साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन्स हैं, पावर बटन है, एंड यहाँ नीचे की तरफ लाउड स्पीकर है, यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, हेडफोन जैक, एंड इस साइड आपको सिम ट्रे मिलती है, एंड बैक साइड आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 16MP का और क्वाड LED फ्लैश मिलती है। और यहाँ पे देखें तो फिंगर सेंसर है, इन्फिनिक्स लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है हॉट, ठीक है। एंड फ्रंट में आपको 8MP का पंच होल फ्रंट कैमरा मिलता है और ये डिस्प्ले दोस्तों 2.5D कर्व ग्लास है साइडों से, देख सकते हैं आप। एंड ओवरऑल डिस्प्ले बड़ी भी है इसकी। और यहाँ पे कैमरा बम्प बिल्कुल थोड़ा सा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कैमरा बाहर नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। और आपको सिम ट्रे दिखा देता हूँ, तो आपको इसमें ट्रिपल स्लॉट सिम ट्रे मिलती है, यानी कि दो नैनो सिम आप इसमें लगा सकते हैं और एक माइक्रो SD कार्ड भी एडिशनली लगा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा रबर का सीलेंट दे रखा है ताकि पानी वगैरह अंदर ना जाए, डस्ट वगैरह ना जाए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा फ़ोन लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। तो चलिए फ़ोन को अभी हम ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों फ़ोन अभी हमने ऑन कर लिया है, तो पहले मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ और फिर हम इसको आगे चेक करेंगे। दोस्तों फ़ोन अभी मैंने सेटअप कर लिया है, फिंगर सेंसर एंड फेस अनलॉक भी मैंने इसमें सेट कर दिया है और फिंगर सेंसर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, देखिए काफ़ी फास्ट है क्योंकि 6GB रैम है तो ऑब्वियसली काफ़ी फास्ट चलेगा, ये देखिए। एंड फेस अनलॉक अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, ये देखिए बहुत जल्दी अनलॉक हो जा रहा है फ़ोन, ये देखिए। ओके, तो डिस्प्ले भी काफ़ी मतलब मस्त लग रही है इसकी, कलर वगैरह काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और ब्राइटनेस और कलर कंट्रास्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलती है, फुल HD+ नहीं है मगर फिर भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और वैसे डिस्प्ले बड़ी भी है, देख सकते हैं आप। और फ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है, वैसे तो अभी पूरा खाली पड़ा है। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ माई डिवाइस में, यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लोज़ करता हूँ, तो यहाँ देखिए 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, ये देखिए फ्रंट कैमरा 8MP, 16MP का क्वाड कैमरा है, राइट साइड हीलियो G70 प्रोसेसर है, यहाँ बैटरी है 5200mAh की, HD+ डिस्प्ले एंड एंड्रॉयड 10 मिलता है इसमें आपको, यहाँ आपको दिखा देता हूँ देखिए एंड्रॉयड 10, ये देखिए आउट ऑफ द बॉक्स। और इसको बैक करते हैं तो मैं आपको इसकी इंटरनल स्टोरेज भी दिखा देता हूँ, देखिए। तो 6GB रैम में से आपको 4.28GB रैम मिलेगी फ्री और 114GB आपको अवेलेबल मिलेगा स्टोरेज 128GB में से। तो चलिए इसको बैक कर देते हैं अभी। और दोस्तों डिस्प्ले की अगर आप बेजल्स देखेंगे साइडों से तो काफ़ी थिन बेजल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, नीचे से थोड़ा चिन ज़्यादा है बट ओवरऑल साइड बेजल्स और टॉप में अगर आप देखें तो बेजल इतने ज़्यादा नहीं हैं और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लग रही है मतलब इस फ़ोन की। और आपको कैमरा दिखा देता हूँ जल्दी से, इसके सारे जो ऑप्शंस है कैमरे में आपको जो मिलते हैं,
फ्रंट में अगर आप देखें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन, तो आप शॉर्ट वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो का ऑप्शन है एंड वीडियो में अगर आपको रेजोल्यूशन चेक कराऊं तो 2K वीडियो आप इस फ़ोन में शूट कर सकते हैं, फुल HD शूट कर सकते हैं। देखिए 2K एंड फुल HD एंड 720p, तो आप इसमें 4K वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, 2K शूट कर पाएंगे। इसके बाद है फोटो का ऑप्शन, तो आपको AI HDR वगैरह मिल जाता है इसमें, एंड वाइड एंगल कैमरा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे यहाँ से आपको अनेबल करना पड़ेगा। एंड इसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये नॉर्मल कर देते हैं इसको, ब्यूटी मोड है, एंड इसके बाद है बोके मोड, और इसके बाद यहाँ पे देखें तो सुपर नाइट मोड दे रखा है इस बार, ठीक है। एंड जल्दी से अब आपको मैं फ्रंट कैमरे की भी ऑप्शंस दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट में जो ऑप्शन है वो है शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन, तो आप फ्रंट कैमरे से शॉर्ट वीडियो शूट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखें तो 2K वीडियो आप फ्रंट कैमरे से भी शूट कर सकते हैं, मतलब फ्रंट से भी और रेयर से भी आप 2K वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके बाद है फोटो का ऑप्शन, ब्यूटी मोड, ओके मोड, एंड यहाँ पे AR स्टिकर्स दे रखे हैं काफ़ी सारे लास्ट में। और दोस्तों इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, आपको फ्रंट में डुअल LED फ्लैश देखने को मिलती है, जो कि मेरे को लगता है इसी फ़ोन में है। तो लो लाइट में आप अच्छी सेल्फीज़ भी ले सकते हैं, और वीडियो कॉलिंग के टाइम भी आप इन डुअल LED फ्लैश का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको फ्रंट में मिलती है। और कुछ फ़ोटो सैम्पल्स ले लेते हैं, तो आपको इसमें मैक्रो लेंस मिलता है, वाइड एंगल लेंस मिलता है, बोके मोड वाली आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, लो लाइट सेंसर भी मिलता है। तो ओवरऑल इस फ़ोन में सब कुछ डालने की कोशिश करी है कंपनी ने काफ़ी कम प्राइस में, और 10,000 में मुझे लगता नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको किसी और फ़ोन में मिलेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ के सैम्पल्स दे दिए हैं, जिनको देख के आपको पता चल जाएगा कि इस फ़ोन के कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी है, फ्रंट कैमरे की भी और रियर कैमरे की भी। और आप इसमें 8x तक जूम कर सकते हैं, इसमें आपको 8x जूम मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है मुझे, वैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और प्राइस भी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो दोस्तों अगर आप चाहें कोई फ़ोन परचेज़ करना तो आप डेफ़िनेटली इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हैं, 10,000 का अगर आपका बजट है। वैसे ये बिग बिलियन सेल में 10,000 का मिल गया था, 6GB रैम 128GB वाला, बट अभी इसका प्राइस शायद इंक्रीज़ होकर 11,000 हो गया है। बट फिर भी मेरे को लगता है 11,000 में भी ये फ़ोन ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी कुछ इसमें आपको मिलता है, बड़ी डिस्प्ले, पंच होल, कैमरा, और क्या कहते हैं इसमें बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, 6GB रैम 128GB वेरियंट, और इसमें मतलब डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, कैमरा भी क्वाड कैमरा मिलता है, फ्रंट में भी आपको डुअल LED फ्लैशेस मिलती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू सून।